सोशल मीडिया पर प्रज्वल नाम ऐसे ट्रेंड कर रहा है साहब, और कर्नाटक को लेकर तो ऐसा जैसे कि मानो भूचाल आ गया। कर्नाटक की हासन सीट के सांसद हैं प्रज्वल, जो कि जेडीएस से सांसद हैं, एक बार ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, इस बार फिर उनकी उम्मीदवारी थी, उनकी सीट पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन प्रज्वल रेवन्न फिलहाल गायब है। ऐसा माना जा रहा है कि वो विदेश में इस बात को जानते हुए कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगने वाले हैं, अचानक गायब हो गए और चले गए। और अभी तक ये बताया गया है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, कि ये जर्मनी में बैठे हुए हैं। जर्मनी के साथ भारत का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो जाहिर सी बात है अगर इनको एक्सट्रेडाइट कर भारत लाना पड़े तो इसमें भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वजह क्या है? वजह वो अश्लील सीडी और उसके साथ साथ अश्लील वीडियोज हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2 से 2500 बताई जा रही है, जो कि कर्नाटक में बीते एक साल से सर्कुलेशन में है। तो सवाल यह उठता है कि अचानक चुनाव के पहले यह बात क्यों निकल कर आई, और वो भी जबकि प्रज्वल के जो मतदान होने वाले थे उनकी सीट पर, उसके बाद यह खबर निकल कर आ रही है, पहले नहीं आई। एक साल से यह मामला सामने है, सब जानते हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खास करके प्रज्वल रेवन्न पर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हुई साहब? गृहमंत्री अमित शाह ने इस राजनीति पर अपनी बात सामने रखी है। आपके मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में हैं, और हमारे साथी दल JDS ने भी उनको उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। प्रज्वल को लेकर अब जो स्टैंड सामने आया भारतीय जनता पार्टी का और गृहमंत्री अमित शाह का, उसके कुछ ही देर के बाद JDS, जो कि विचार कर रही थी कि उन्हें पार्टी में रहने दिया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रज्वल के खिलाफ JDS ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जब पार्टी ही आपकी है, आपके दादाजी की पार्टी है, आपके चाचा जी वहां पर मौजूद हैं जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं HD कुमारस्वामी, आपके पिताजी खुद विधायक हैं अभी, और आप साहब सांसद हैं, क्या आपको जानकारी नहीं थी कि आप क्या कर रहे हैं? पार्टी में ये जानकारी पहले नहीं थी कि पार्टी का सांसद किन कार्यकलापों में लिप्त है? महिलाओं के शोषण का इतना बड़ा मामला है और इसकी जानकारी पूरे राज्य को थी, लेकिन JDS पार्टी को नहीं थी साहब। अब जब मामला गरमाया है तो JDS ने सस्पेंड कर सवाल पूछा है। यह अपने आप में JDS के ऊपर कालिक पोतने से कम नहीं है। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ऐसा सहयोगी क्यों चुना जिसने उस व्यक्ति को टिकट दिलवाया जो कि बलात्कारी है, जिसके ऊपर सेक्स स्कैंडल के CDs हैं। अब सवाल यह भी उठता है साहब कि यह अचानक बात कैसे सामने आ गई? राज्य में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। क्या सरकार आज बनी? नहीं साहब, तकरीबन साल भर होने को आ रहा है। 14 सीटों पर कर्नाटक में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लोकसभा में 14 सीटों पर बाकी है, जिसमें 7 मई को मतदान होना है। क्या प्रज्वल के सीट पर मतदान होना है? नहीं, वो मतदान हो चुका। तो अब तक इस सेक्स स्कैंडल के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा था? तो चलिए सबसे पहले आपको यह बता दें, यह चर्चा इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर जैसे ही यह मामला कांग्रेस उठाएगी, हो सकता है कि वोकोलिगा समाज का समर्थन उसे बड़े पैमाने पर ना मिले। राजनीति, देवगौड़ा की पार्टी JDS वोकोलिगा समुदाय का बड़ा प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वोकोलिगा और लिंगायत समाज, जो कि लिंगायत समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, अगर वोकोलिगा और लिंगायत एक दूसरे से मिल जाएं और आगे बढ़ें, तो JDS और भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के प्रदर्शन को वापस दोहरा सकती है, जो कि कांग्रेस के लिए मुफीद न होगा। लिहाजा ये मामला खड़ा किया गया 7 मई के मतदान से पहले, और इसके बारे में कई शिकायतें थी। साल भर से इस पूरे मामले पर
पूरे प्रदेश में राजनीति चल रही थी। आइए अब आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहला सवाल, जब यह पूरा मामला सामने था तो इस पर सिद्धरमैया सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जेडीएस के सांसद पर कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं की? क्यों कोई जांच नहीं बैठी? क्यों एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? चुनाव को देखकर ही मुद्दा उठाया गया, यह भी क्यों? क्या बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को देखकर ही और उसके चुनावी प्रभाव को देखकर ही अब मसला बड़ा किया जा रहा है? अब देखिए क्या हुआ है। जैसे ही कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठाया है, कर्नाटक की सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। और यह गठन कब हुआ है साहब? अभी एक दिन पहले। इसके पहले तक एसआईटी गठन नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी। एसआईटी का नेतृत्व राज्य के एडीजीपी बीके सिंह करने जा रहे हैं। बीके सिंह ने ही पत्रकार गौरी लंकेश और एक्टिविस्ट एमएम करबुर्गी की हत्याओं की जांच का नेतृत्व भी किया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं? हसन जिले में अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, यह देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की बड़ी घटनाएं हुई। आप पहले कहां थे साहब? प्रजन रेड्डी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, हासन सीट से सांसद हैं, दोबारा चुनाव लड़े हैं, उनकी सीट का चुनाव खत्म हो चुका। सोशल मीडिया पर उसके बाद 200 से ज्यादा प्रज्वल के अश्लील वीडियो सर्कुलेट होते हैं। जो प्रज्वल ने किया वो तो अपने आप में निहायत गलत है ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर सब लोग चुप क्यों थे? एक पेन ड्राइव भी सामने है जिसमें 2976 वीडियो क्लिप हैं, जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनटों तक के हैं। ज्यादातर क्लिप 2019 के बाद बनाए गए। ये वीडियो क्लिप्स बेंगलुरु और हासन में बनाए गए और ये वीडियो क्लिप्स एक साल से ज्यादा पुराने। ये क्लिप्स और इसकी चर्चा कर्नाटक में बीते एक साल से है, लेकिन किसी ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कई पीड़िताओं ने इस पूरे मामले पर हासन में और उसके आसपास बेंगलुरु में भी एफआईआर दर्ज करवाया है साहब, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने बीते 6 महीने में एक बार भी किसी भी एफआईआर पर कार्रवाई करने की सोची ही नहीं। दरअसल इस तरह की जो खबरें सामने आई, इसे लेकर देवगौड़ा के पोते ने प्रज्वल ने फेक न्यूज बताकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया साहब। देखिए उसके बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। 1 जून 2023 को प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेंगलुरु सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में 86 मीडिया आउटलेट और 3 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में फेक न्यूज चलाने और वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये जानबूझकर प्रसारित किए जा रहे हैं। 2 जून को सिविल कोर्ट ने वीडियोस के प्रसारित किए जाने पर रोक लगाई। 2023 बात कब हो रही है साहब? इस पर पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार है राज्य में और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कब हो रही है साहब? 26 अप्रैल के बाद से। इतने समय तक सब लोग सो रहे थे क्या? क्या किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि प्रज्वल एक हैबिचुअल ऑफेंडर है? उसके खिलाफ इतनी शिकायतें आ चुकी हैं, महिलाओं के शोषण की इतनी बड़ी बड़ी खबरें उसके सामने हैं। जाहिर सी बात है यह राजनीति है और इसके अलावा कुछ भी। दरअसल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सबसे पहले तो प्रज्वल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबसे पहले राज्य पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए था ताकि प्रज्वल कभी भारत छोड़कर बाहर जा ही नहीं सकता था। इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, तमाम गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए थे और प्रज्वल को चुनाव में खड़ा होने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि यह अब तक कर्नाटक की पुलिस ने क्यों नहीं किया? और अब जब पूरा मामला सामने आया है तो क्या जर्मनी से उसे वापस बुलाया जाएगा? अगर तथाकथित तौर पर वो जर्मनी में है तो वो कहां है, कैसे चला गया बाहर? इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी शिकायतें, इतने सारे एफआईआर, इसके बावजूद कर्नाटक पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी बनती है साहब? ये तो आप खुद ही तय कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस पर काम करेगी या सिर्फ विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाकर लोगों के सामने ढिंढोरा पीट कर 7 मई के चुनाव का इंतजार करने जा रहे हैं।